तो दोस्तों आपका स्वागत है, मैं हिमांशु कुमार एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ और आपके साथ हूं। और आज हमने एक यूज़र के क्वेश्चन को समराइज करने और उसको आंसर देने की कोशिश की। थोड़ा सा हमें टाइम लगा क्योंकि कोई भी अगर यूज़र हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हमें पूरा उसकी आप कह सकते हैं प्रोसेस के लिए काम करना पड़ता है, हर डेटा को देखना पड़ता है, हर एंगल को देखना पड़ता है, उसके बाद हम उस पर आते हैं। तो आज का हमारा वीडियो हमारे यूज़र के क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्या था कि अगर कोई अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहता है तो किस तरह से अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। तो पहली चीज़, मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए है या तो जो प्लान कर रहे हैं कि उनको अर्ली रिटायरमेंट लेना है और लाइफ के आप कह सकते हैं कि एक पार्टिकुलर 45 या 50 के बाद आपको लाइफ इंजॉय करनी है, या जो अर्ली रिटायरमेंट के बहुत करीब हैं। तो मैं ये वीडियो उन दोनों के लिए बनाने की कोशिश किया हमने और उसमें हर तरह के एंगल को रखने की कोशिश की कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, किस तरह से आपकी पूरी फाइनेंशियल फ्रीडम को ध्यान में रखते हो, हमने इसको समराइज करने की कोशिश की। तो हम आज 8 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उस 8 टॉपिक में हम दोनों चीज़ें, एक तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, रिस्क कवरेज, इन्वेस्टमेंट, हम सारी चीज़ों को और टैक्स की प्लानिंग को भी ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें लगा कि अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट की सोच रहा है, अर्ली रिटायरमेंट को, तो उसका जो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम। अब ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही आप कह सकते हैं गंभीर है और इसको समझने की ज़रूरत है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है। अगर अर्ली रिटायरमेंट करने का मतलब यह है कि आप उस एज में रिटायर, जब आपके हो सकता है कि वर्किंग कैपेसिटी और वर्किंग जो पूरी पावर है वो बची हुई है, उसके बाद भी आप रिटायर कर रहे हैं, तो आपको फाइनेंशियल अगर फ्रीडम नहीं हुआ, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यह है कि आज की डेट में जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं, अगर आप जिस दिन रिटायर कर रहे हैं वो एक्सपेंडिचर को बिना किसी वर्क किए फुलफिल किया जा सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की हम बात करेंगे कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करेंगे, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम पे आप फोकस रहें कि जब आप रिटायर करें आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, मतलब आप जो आज कर रहे हैं वो उस दिन भी कर पाएं बिना कोई काम किए हुए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर आपने ढंग से प्लानिंग की है तो ये इजीली आप इसको अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब आप रिटायरमेंट की प्लान करते हैं या सोचते हैं उस समय क्या होता है। पहली चीज़ कि आपने जितने साल भी काम किया, हो सकता है कि आपने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जमा कर रखा हो या आपकी बहुत तरह की जो जहाँ भी जॉब करते थे उनकी तरफ से कोई कंपनसेशन मिल रहा है या ग्रेचुटी मिल रही है, मैच्योरिटी मिल रही है, उस फंड का यूटिलाइजेशन अब कैसे करना है। तो पहली चीज़, आपके पास जो भी इनकम, अगर आपने इसको ऑलरेडी कहीं इन्वेस्ट करके कोई रेकरिंग इनकम कमा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। पहली चीज़, अब हम बात करेंगे कि किस किस तरह से डाइवर्सिफाई करें, बट डाइवर्सिफाई करने का मतलब यह है कि हमारा जो पॉइंट है सेकंड, डाइवर्सिफाई, क्योंकि अगर आप देखें तो आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह अगर करते तो बहुत रिस्की, चाहे वो कुछ भी हो, आप अपने पैसे का यूटिलाइजेशन सही ढंग से नहीं कर सकते, तो आपको अपने पैसे का डाइवर्सिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इस पर बात करेंगे। तीसरा पॉइंट हमें लगा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक अल्टरनेटिव इनकम जरूर होनी चाहिए, चाहे वो पार्ट टाइम हो या किसी तरह का कुछ ऐसा काम हो जो आप घर पे बैठ के या अपने फ्रीडम के हिसाब से चीज़ों को कर सकें, अगर ये कर सकते हैं तो। क्योंकि जब आप एक, किसी ने 20 साल, किसी ने 25 साल, अपने अपने एज के हिसाब से लोग अपने स्किल को धीरे धीरे डेवलप, जब आप रिटायरमेंट के पास आएंगे तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा हुनर होगा, उसकी मार्केट वैल्यू बहुत हाई होती है। एक चीज़ याद रखिए, जो आपको सैलरी दी जाती है वो इसलिए नहीं दी जाती है कि आप काम कर रहे हैं, आपके पास जो हुनर है या जो आपकी एक स्किल है उस स्किल के बदले आपको पैसा दिया जाता है। तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा कि आपको जो सैलरी मिल रही है या जो भी आपको अमाउंट मिल रहा है वो आपके एक पर्सनल स्किल जो आपके पास है उसकी वजह से मिल रहा है, यानी कि एक टाइम के बाद ये स्किल के जो ऑप्टिमाइज किया बहुत अच्छा हो चुका है। अगर आप इसको अपसेल करने में लगते हैं तो आप बहुत कम टाइम काम करके और अपने हिसाब से काम करके उस स्किल को बहुत आसानी से सेल कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा है कि आप अल्टरनेटिव इनकम पे भी फोकस रहें। जो चौथा पॉइंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के लिए कि क्लियर योर ऑल डेट्स, यानी कि जब भी आपने प्लान किया कि आपको रिटायर करने वाले हैं या सोच रहे हैं होने वाले हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सारे लायबिलिटी को ख़त्म करें।
कोई लायबिलिटी कैरी ना करें। अदरवाइज क्या हुआ कि अगर आपने कोई अल्टरनेटिव इनकम या इन्वेस्टमेंट के थ्रू कोई इनकम बना रखी है, उसका बहुत मेजर पोर्शन आपके डेट में चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो भी डेट है उसको क्लियर करके चीजों को उस हिसाब से रखें कि जब आप रिटायरमेंट पे आए तो आपके पास कोई लायबिलिटी ना हो, इस तरह की लायबिलिटी ना हो जो कि आपको मंथली बिना अगर आप कुछ नहीं भी करते तो वो अमाउंट रिकरिंग बेसिस पे आपके ऊपर खड़ा हो रहा है। तो अगर कोई भी डेट है तो उसको जरूर क्लियर करें सबसे पहले, क्योंकि अगर डेट के आप रेशियो देखेंगे जो इंटरेस्ट का रेशियो है वो बहुत हाई होता है, बहुत तरह के कंपाउंडिंग चीज़ें होती हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डेट को भी क्लियर करें साथ के साथ। ये तो चार पॉइंट हो गए। पाँचवा, अब तो आपने इंडिपेंडेंट होने की बात सोच रहे हैं, अब आप रिटायर करने की बात कर रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा एक एज के बाद जो बैरिकेटिंग आता है वो आता है हेल्थ। अगर आप इस एज पर रिटायर कर रहे हैं तो ये चीज़ आप पहले ही प्लान कर लें कि आप अपने हेल्थ इश्यू को कैसे टैकल करेंगे। टैकल करने का मतलब है, ये तो बाय डिफॉल्ट है कि देखिए एक एज के बाद हर को प्रॉब्लम आती है, आप हो मैं हो कोई भी हो, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो प्रॉब्लम आनी नेचुरल है, क्योंकि ये बॉडी उस हिसाब से पुराना होता जाता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। लेकिन अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो एक कंटिजेंसी एक तरह का प्लान है जहाँ पे आपको एकाएक बहुत मोटा पैसा निकालना पड़ता है। तो आपके पास जब आप रिटायर करें उस समय जरूर आपके पास हेल्थ प्लान हो। अगर आपके पास हेल्थ प्लान नहीं है तो आप बहुत ही प्रॉब्लम में हैं। अगर आपने किसी रीजन से हेल्थ प्लान कंटिन्यू नहीं किया है तो याद रखें आप एक कंटिजेंसी फंड अपने साथ जरूर रखें, क्योंकि कंटिजेंसी फंड वो अमाउंट है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप उस पैसे को यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज हुआ क्या कि जब आप रिटायरमेंट के पास आपकी जो इनकम सोर्स है बहुत लिमिटेड हो जाती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू या किसी भी तरह का आपने पेंशन ले रखा है वो बहुत लिमिटेड है, अगर उस पर एकाएक कोई बर्डन आता है तो आपका जो पूरा प्रोसेस है, जो आपका पूरा थॉट प्रोसेस है वो गड़बड़ हो जाती है। तो हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ के साथ हेल्थ तो हो गया पांचवा पॉइंट, जो छठी पॉइंट हमारी है वो है आपका हेल्थ के बाद लाइफ। क्योंकि देखिए रिटायरमेंट के बाद आपने एक लाइफ इंश्योरेंस भी जरूर होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो सजेस्ट करूँगा, आप हमारे पुराने वीडियो में जाते तो हम हमेशा टर्म प्लान के हम लोग आप कह सकते हैं फॉलोअर रहे हैं, और आज भी मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं या बहुत करीब हैं आप टर्म प्लान में इन्वेस्ट करें। क्यों? इसका फायदा यह है कि आप अगर इंश्योरेंस में जाते हैं तो एक बहुत मोटा पैसा वहां पे जाता है और जिसका रिटर्न बहुत अच्छा नहीं है, इसमें बहुत कम पैसा जाएगा, ठीक है इसमें कोई रिटर्न नहीं आने वाला, लेकिन जो आपके पास बैलेंस पैसा बचा है अगर आप उसके ढंग से यूटिलाइज करेंगे तो बहुत ही अच्छी आप रिटर्न उससे ले सकते हैं। अब आते हैं कि इन्वेस्ट, अब हमारा जो सातवां पॉइंट है वो बात करने वाला है कि हम आपकी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको दो पार्ट में करें। एक तो टैक्स सेविंग को भी ध्यान में रखें कि हम किस तरह के टैक्स इक्विपमेंट में लगाएं, जैसे NPS हो गया, साथ के साथ उस तरह के बॉन्ड या उस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में जरूर, जैसे यूलिप हो गया, उस तरह की चीज़ों में जरूर पैसा लगाएं, क्योंकि जब आपकी इनकम जनरेट हो तो आप टैक्स बेनिफिट भी ले पाएं। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपने टैक्स बेनिफिट नहीं लिया तो ये एक स्लैब की वजह से आप पे अच्छा खासा टैक्स पड़ने की वजह से वो भी आपकी इनकम में नुकसान है। तो अब आप इन्वेस्टमेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि जो हमारा छठा फ्लाइंग था एक तो इन्वेस्टमेंट, जो सातवां पॉइंट था इन्वेस्टमेंट, और आठवां पॉइंट है टैक्स सेविंग इक्विपमेंट। दोनों चीजें सेम है, लेकिन ये ध्यान रखें कि दोनों को यूज करते समय दो स्ट्रैटेजी हो जाती है। जब आप टैक्स सेविंग की बात करते हैं तो आप NPS हो गया प्लस यूलिप हो गया, उस तरह के प्रोडक्ट में पैसे लगाएं जहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो। और अगेन ऐसा नहीं हो कि किसी एडवाइजर या किसी के कहने पे आपने पूरा का पूरा पैसा एक ही जगह लगा दिया, वैसा ना करें। आप कुछ लिक्विड फंड में लगा दें, कुछ डेट फंड में लगा दें, कुछ यूलिप में लगाएं, कुछ उसी में म्यूचुअल फंड जो बिना टैक्स वाले आइटम है उसमें लगाएं, कुछ पैसे आप FD में भी लगाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा पैसा, लेकिन कुछ पैसा आप अपने रिस्क को इस हिसाब से डाइवर्सिफाई करके अपना पोर्टफोलियो इस तरह से बिल्ड करें ताकि कि जो आपका ROI निकले वो एक अच्छा निकले। साथ के साथ अगर आप रिटायर करने वाले तो मैं आपको ये भी एडवाइस कर दूंगा कि जो ब्लू चिप कंपनीज है उनके शेयर भी आप धीरे धीरे एक्युमुलेट करना शुरू करें। एक बार में पैसा ना लगाएं, एक बार में कभी मार्केट में पैसा ना लगाएं। आप
टॉप 30 जो आपके म्यूचुअल ये स्टॉक मार्केट के जो स्टॉक्स हैं, आप उसमें आप थोड़ा, क्योंकि अब देखिए रिटायरमेंट की आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको अपना वेल्थ प्लान भी करना हो, तो आप उसमें से 5-6 अच्छे, जैसे कि SBI हो गया, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, इस तरह के कुछ प्रोफाइल को आइडेंटिफाई करें और उसमें आप थोड़ा 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 पैसा वहाँ भी डाइवर्सिफाई करें, यानी कि जो आपका पोर्टफोलियो बनेगा उसमें आपके पास म्यूचुअल फंड भी होंगे, यूलिप भी, म्यूचुअल फंड के यूलिप भी होंगे, टैक्स सेविंग बॉन्ड्स भी होंगे, स्टॉक्स भी होंगे, आपके पास लिक्विड फंड भी होगा, आपके पास FD भी होंगे और NPS भी होगा, तो जो ओवरऑल आपका पूरा जो कॉर्पस होगा उस तरह से डिजाइन कर लें कि उससे आपको उतना रिटर्न आए जितने आज आपकी सैलरी है। देखिए मैं अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर, मतलब कंसीडर नहीं कर रहा हूं, तो आप उस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करें ताकि आप जब रिटायरमेंट के पास हो या रिटायर कर रहे हैं तो आपके पास इतनी इनकम जरूर जनरेट हो, जो इनफ्लो हो, ताकि आप इजीली अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और बिना किसी प्रॉब्लम को आप अपने लाइफ को पूरी तरह से जी भी सके। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि किसी भी एडवाइजर या वेल्थ जो मैनेजर हैं, मैं उन पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत जनरल देखा गया कि वो क्या करते हैं कि आपको एक जगह ही पैसे लगवाने की कोशिश करते हैं, एक फंड में लगवा देते हैं या उस तरह के फंड में लगाते हैं जहाँ पे कमीशन ज़्यादा हो उस तरह की। तो आप अब क्या है कि देखिए आपके पास समय कम है और आप रिटायरमेंट के पास या उसकी प्लान कर रहे हैं, तो आपको अपने पैसे के लिए बहुत ही एक्टिव रहने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप थोड़ा सा खुद से भी ज्ञान लें, खुद भी आप उसकी मतलब आप कह सकते हैं कि डिगिंग करें कि जो प्रोडक्ट बताया जा रहा है वो कितना अच्छा और कितना बुरा है। अगर आप इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं तो हमें लगता है कि जब आप रिटायर करेंगे या रिटायरमेंट के बाद जब अपनी प्लानिंग को देखेंगे तो आपके पास कॉर्पस में इतना पैसा होगा कि आप अपने लाइफ में जो एक्सपेक्ट करते हैं या जिस तरह से लाइफ